देवेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं। सर, जो एक कमजोर मानसून की बात है और जो अगस्त महीने में कम बारिश हुई है, आपसे समझना चाहेंगे आपका क्या आंकलन है, इसे कैसी स्थिति माना जाए? हालांकि कहा जा रहा है 2 सितंबर से हालात बेहतर हो सकते हैं। जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि सितंबर में कुछ बारिश होने की आशंका है और उनके प्रेडिक्शंस है कि भाई 2 सितंबर जैसे आपने कहा उसके बाद कई जगह पे बारिश होगी देश में, तो मुझे लगता है कि वो तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि हमने जैसा आपने भी कहा कि 35% अगर अगस्त में शॉर्टफॉल रहा है और ये इतना जी देवेंद्र जी, आपका आंकलन आप बता रहे थे हमें। जी ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसानों को इस बार बहुत चिंता का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा महाराष्ट्र में भी जो बारिश नहीं हो रही है, महाराष्ट्र और गुजरात में, और अगर हम देखें पिछले कुछ महीने में महाराष्ट्र में अधिक बारिश हुई थी और अब बिल्कुल सूखा पड़ा है, जिसके करके हमने देखा कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 73 फार्मर सुसाइड रिकॉर्ड की गई है पिछले 6 महीने में, यानी कहने का कि वहां पर कृषि संकट बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की बात करें तो आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर बारिश अधिक हुई है और 2 बार फ्लड्स आए हैं पंजाब में, तो और जिसके करके तकरीबन 85,000 हेक्टेयर का जो एरिया था उसको दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ा, और वो जो दोबारा ट्रांसप्लांट थी वो अगस्त के 15 तक ही खत्म हो पाई है, तो उसमें ऑब्वियसली जो पैदावार है उस पर असर उसका पड़ेगा। लेकिन जो अच्छी खबर जो आज मिली है कि वो अगर सितंबर में बारिश होती है, ये भी हम ना भूलें क्योंकि सितंबर में आस्ते आस्ते बारिश कम होती जाती है क्योंकि उस टाइम हार्वेस्टिंग का टाइम भी एंड में आ जाता है, तो वो तो अच्छी बात है कि अगर वो बारिश जितनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में अगर मिल जाती है। और जहां तक की नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज की बात उन्होंने कही है कि वहां जितनी आशा है उससे कम बारिश होगी, तो यहाँ पर तो हम श्योर इरिगेशन देखते हैं। हम ना भूलें कि पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में 99% और हरियाणा में तकरीबन 82% श्योर इरिगेशन है, तो यहाँ पर असर कम पड़ता है। लेकिन असली बात यह है कि जब सितंबर के महीने से जब हम अगली क्रॉप में जाते हैं रबी की फसलों में, तो उस समय एक जमीन में एक पत्थर की जरूरत होती है, यानी एक रेजिडुअल मॉइस्चर की जरूरत होती है, और वो अगर उसमें बारिश नहीं मिलती है या पानी का जो उसका अवेलेबिलिटी कम होती है, तो वो ऑब्वियसली अगली जो क्रॉप है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और जैसा कहा गया कि एलनीनो ने अभी स्टार्ट किया है और ये आस्ते आस्ते पिकअप और करेगा, तो इस बात पे हमें वी कैन ओनली कीप आर फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, सर्दियों के महीनों में ये कितना असर उसके ऊपर पड़ेगा जो जो स्टैंडिंग क्रॉप उस समय होगी। तो मुझे लगता है कि सारा मिला के देखा जाए तो ये एक्चुअली एक ऐसा पीरियड रहा है खरीफ भी और रबी भी कि आई थिंक वी विल हैव टू बी डबली वॉचफुल कि हम आगे किसानों को भी और देश की खाद्य सुरक्षा पे किस तरीके का असर का एक्सपेक्टेशन हम कर पाते हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, अभी हम ग्राफिक्स में वो राज्य दिखा रहे हैं जहां पर कितने प्रतिशत कम बारिश हुई है, वो राज्य हैं अपने आप में महाराष्ट्र 11% कम है जिस तरह से कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे किसानों का सुसाइड रेट बहुत रहा है। इसी साल अगर हम देखा जाए तो इतनी सुसाइड की जो जानकारियां सामने आई हैं, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स जो वहाँ पे सामने हुई हैं, तो अब ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि एल नीनो का इफेक्ट जो बताया जा रहा है अब क्या माने, क्योंकि जो इसका खामियाजा भुगता होगा अगर हम सितंबर में कहें बारिश हो भी जाएगी, तो आगे की राह कैसी हो सकती है या क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें 2-3 चीजों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अक्सर मैं देखता हूं कि जब भी बात होती है एल नीनो की या बारिश का इम्पैक्ट जो होगा, तो हम ये सोचते हैं या ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन पे इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन से हटकर हमें एक चीज और भी देखनी चाहिए कि किसानों पर उसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आफ्टरऑल वो लाइवलीहुड सिक्योरिटी उसमें जुड़ी हुई है उनकी, उनका तो फ्यूचर ही उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्यों नहीं सरकार जब भी इसको एक चैलेंज लेके आती है या उसका प्लान बी को सोचना शुरू करती है, तो प्लान बी में यह भी आना चाहिए कि इकोनॉमिक स्टिमुलस हम कैसे किसानों को दे पाए कि वो उस क्राइसिस से उभर पाए। अब देखिए ना, भैया एक्सपोर्ट बंद करते हैं, एक्सपोर्ट के साथ साथ उस पे प्याज पे जैसे ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं ताकि एक्सपोर्ट ना हो पाए, इन सब का इम्पैक्ट भी तो किसानों के ऊपर पड़ता है।
तो क्यों नहीं इसे सरकार जब एक्सपोर्ट बंद करती है या अलाउ, अब और भी क्रॉप्स में आस्ते आस्ते देखेंगे कि नहीं होगा, स्टॉक लिमिट्स पे कंट्रोल आएगा, इन सब के मद्देनजर रखते हुए क्यों नहीं हम एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि ऑटोमेटिकली डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किसानों के खाते में जा सके जो उससे इम्पैक्ट होते हैं। एक बात तो ये है, दूसरी है कि भी प्लान बी में हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अगले आने वाले दिनों में हम बिजली की अवेलेबिलिटी खेती में और साथ में डीजल की अवेलेबिलिटी किस तरीके से उपलब्ध कराएं ताकि किसानों को कोई उसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि आप जानते हैं कि इरिगेशन उस समय जब क्रॉप स्विंग होती है तो बहुत जरूरी होती है। तो उसके लिए ये प्लान तैयार करना पड़ेगा, अभी से तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में एल नीनो का इम्पैक्ट उभर कर सामने आएगा। मुझे लगता है कि अगर हम ये दो तीन चीजें देख लेते हैं तो जो आपने कहा कि किसानों की आत्महत्या है उसको भी हम उस पर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्टिमुलस या जो कर्जा है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। क्यों नहीं हम कुछ दिनों के लिए वो कर्जा माफ कर दें, जैसा कि पंजाब में इतना दो बार फ्लड्स आने के बाद भी सरकारों ने अब तक ये नहीं किया, सेंटर ने या स्टेट ने, कि हम उनका जो कर्जा है या उसके कम से कम कर्जे के इंटरेस्ट है वो भी हम माफ कर पाए। सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए तो हम हर चीज करने को तैयार रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खेती पे जब भी हम गांव में जाते हैं तो किसान हमसे सवाल पूछते हैं कि हमारे लिए क्यों नहीं। तो ये जो सवाल है मुझे लगता है इसको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है, और ये हम ना भूलें कि इस साल जो आने वाला पीरियड है उस पे हमें, जैसे मैंने पहले भी अभी कहा, कि डबली कॉशियस होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, सतर्क रहने की बिल्कुल जरूरत है। और जो कृषि क्षेत्र ऐसा है, जिस तरह से अगस्त महीने में कम बारिश हुई है, उससे अधिकतम राज्यों में फिलहाल सतर्क सरकार को ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।